ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया, कोई पत्थर ही नहीं उठा था। वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना कि ये कार एक्सेसरीज वालों ने अपना ना घर बना दिया था शीशे रिप्लेस कर करके। बट नाउ इट्स बेटर, यू डोंट गो आउट विद अ कार एंड यू डोंट कम बैक विद अ ब्रोकन विंडो पेन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू रेक्स। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इसके बारे में हमें बताएंगे दुर्नासर भाई आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। आज का वीडियो का हमारा टाइटल है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हाट इंडियन कश्मीरीज थिंक ऑफ पीएम मोदी एंड अमित शाह डिसीजन। देखेंगे आपके साथ मिलकर लेटेस्ट वीडियो है याना मीर का, देखेंगे ओरिजिनल वीडियो का लिंक याना मीर के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा शो है वो आर्टिकल 370 पे डेडिकेटेड है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कल जो है वो दिन है, वो शुभ दिन जिस दिन अमित शाह साहब ने ये निर्णय लिया था कि हमारे कश्मीर से वो आर्टिकल 370 को खारिज कर देंगे, और उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला इस डिसीजन के लिए। लेकिन दुनिया जो है वो हमेशा ये जताने की कोशिश करती है कि जो बीजेपी ने ये डिसीजन लिया वो इस कुछ इस तरह से लिया कि लोगों की मर्जी के खिलाफ लिया। जी हाँ, ये बात सच भी है कुछ हद तक कि बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इसके हट जाने से क्या अच्छी चीजें हो सकती है, क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। आज 4 साल के बाद क्या लोग अभी तक वैसे ही समझते हैं, या आज वो खुश हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद, हम पता करेंगे कुछ लोकल लोगों से पूछकर बातचीत करके। आइए, मैं सब मैं आज इस खूबसूरत से गार्डन में आई हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शायद इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इनसे जाकर पूछते हैं कि इनकी क्या थिंकिंग है। आइए मेरे साथ। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम से, बीरवा से, जहाँ आचार्य अभिनव गुप्त रहते हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर घूमने आए हैं? यस, अपने दोस्तों के साथ। ये बताइए कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी आ रही है, उसकी एब्रोगेशन की एनिवर्सरी एक दो दिन में, तो आपको कैसा लग रहा है? 4 साल हो गए इसको एब्रोगेट हुए, क्या आप खुश हो एज अ कश्मीरी? देखिए, पब्लिक खुश है, मैं एज एन इंडिविजुअल कोई मान्य नहीं रखता हूँ, आप एज एन इंडिविजुअल समाज में कोई नहीं है, एज अ समाज प्रोग्रेसिव बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लोग खुश है, यहाँ हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए लोगों के हित में, हर कोई आर्टिकल लोगों के हित में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। पहले वो खुश नहीं था, ये तो एक फसाड बनाया हुआ था जो यहाँ की रीजनल कुछ पार्टीज है और कुछ फेल्ड पॉलिटिशियन, उनने एक फसाड बना के रखा था, उस फसाड का पर्दाफाश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में। जब से वो पर्दाफाश हुआ है हकीकत लोगों के सामने आ गई। हकीकत ये है कि कश्मीर में अमन है, मेरे 3-4 साल से बच्चे नहीं मारे गए, पैलेट का शिकार नहीं हुए, ऑल टाइम लो मिलिटेंसी है आज के डेट में, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वेमेन एम्पावरमेंट हुई, जो कम्युनिटीज़ डिसग्रंटल्ड थी उनको दबा के रखा गया था वो एम्पावर होकर आ गई, हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए। अभी मुहर्रम था, 34 साल से एक होली प्रोसेशन को उन लोगों ने बंद करके रखा, इस बार मोदी साहब ने स्टार्ट किया और विद 0% कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इंसान हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं, हम एक साथ थे उस प्रोसेशन में, मेरे सिख भाई वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मेरे हिंदू भाई जूस पानी उन मोर्नर्स को दे रहे थे। दिस इज नया कश्मीर, यही तो नया हिंदुस्तान है, एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। नाम बताइए प्लीज। आप कहाँ से आए हैं? मैं बारामूला से, बेसिकली अभी श्रीनगर में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जरा बता सकते हैं कि 370 के हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या आप खुश हैं? इंडीड, यू नो, लेट मी, यू नो, मैं अभी भी बात करता हूँ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बीइंग अ कश्मीरी मुस्लिम एंड बीइंग अ कश्मीरी, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स, हमने क्या देखा कि दैट कन्फ्लिक्ट, किलिंग्स एंड ऑल दैट, यू नो, फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव सीन दैट जितने भी जो यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो लड़के हमारे लड़के मर जाते थे, पैलेट्स आते थे, बाकी चीज़ें आते थे, वो समहाउ कम हुए, एंड फॉर दैट, यू नो, ऑब्वियसली वी आर हैप्पी, एंड नॉट ओनली मी बट जितने भी जो कश्मीरी है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को लेके बहुत खुश है कि दे आर चिल्ड्रन आर सेफ नाउ, सो डेफिनेटली वी आर हैप्पी, एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट से बात करते हैं, तो आपका फैक्चुअली, लॉजिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होना भी जरूरी है। आप सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता सकते कि हमने जो रिवोक किया आर्टिकल को वो इसलिए किया क्योंकि बहाली आई, पीपल आर विटनेसिंग दैट, वो बता रहे हैं, लेकिन आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट देना है सुप्रीम कोर्ट को। अब जैसा कि हमें पता है कि अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, आर्टिकल की सुनवाई हो रही है, क्या रिजल्ट आएगा वो बेहतरी में होगा कश्मीर की, वो कश्मीर के लोग देखेंगे, बट
चार सालों से हमने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है. एज अ स्टूडेंट मुझे हमेशा ये डर रहता था कि मैं कोचिंग में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, क्योंकि कोचिंग सेंटर कब बंद हो जाएगा मुझे नहीं पता था, और मुझे 1-1.5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते थे, और सब बच्चों का यही हाल था. सो एज अ स्टूडेंट मैंने एक डिफरेंट सिनेरियो देखा है. तो आप खुश हो? या तो आज तो देखा आपने दोस्तों कि ये एक स्टूडेंट है और अपने नजरिए से ये कह रही है कि ये आर्टिकल 370 के हटने से खुश है, और उन्होंने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन भी दिया. और yes. और कुछ कहना चाहते हैं? वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉट इन अ बनाना रिपब्लिक. सो पॉलिटिकल सेटअप इन एनी स्टेट और इन एनी कंट्री इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा पॉलिटिकल सेटअप जो है वो भी एक मसला है. बिल्कुल. तो आप कह रही यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए? मैं ये कह रही हूँ, आई एम सेइंग दैट बहाली आई है आर्टिकल 370 के बाद, बट दैट डज नॉट मीन पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप. दे आर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सेटअप. तो दे आर वॉचिंग कि हम जो जिनको वो फॉलो करते हैं, आप अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे ये ऐसे वैसे है, बट अगर वो हम डीप रूटेडली देखेंगे वही पॉलिटिकल पार्टीज डीप रूट्स में हैं अभी भी. तो पीपल आर लुकिंग एट देम कि वो एज अ लीडर्स उनके सामने कैसे आएंगे. तो आप चाहती हैं कि पॉलिटिक्स में रिफॉर्म हो? देयर शुड बी रिफॉर्म्स एंड देयर शुड बी न्यू लीडरशिप में इमर्ज होना और उनको एक्सेप्टेंस, और ये जो कॉन्स्टेंट फेसेस हम कई सालों से देख रहे थे उनमें एक चेंज आना. अब हमें नए लोगों को देखना. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अच्छा तो अब हम जाकर, और वहां पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं दोस्तों, मैंने सोचा कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं. यहाँ पर एक लेडी है. जी आई एम डॉक्टर मेहर आतर. अच्छा डॉक्टर मेहर, आप बताइए आप कहाँ से? मैं श्रीनगर से हूँ, राजबाग एरिया से. तो एज अ कश्मीरी आर्टिकल 370 के हटने के बाद अब चार साल होने को आए हैं, क्या आप खुश हो? वेरी कंफ्यूजिंग. वेरी वी आर एंजॉइंग द स्टेटस ऑफ बीइंग फ्री. आप प्लीज हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को. हाँ जी, हम लोग एज वुमेन सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हैं. एज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स बार बार अननेसेसरली बंद नहीं हो रहे हैं. एज टीचर्स वी आर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वी आर हैप्पी कि बार बार काम नहीं रुक रहे हैं. एक फाइल को चलने में 10-20 दिन नहीं लग रहे हैं, बिकॉज उन 10 दिन में से 5 दिन जो थी वो हड़ताल थी. सो नो हड़ताल, नो कर्फ्यूज. कश्मीर को इस ब्रेक की जरूरत बहुत टाइम से थी. यहाँ कुछ नहीं हुआ आर्टिकल 370 को हटने से. किसी ने कोई मारा है क्या किसी को? किसी को बंद किया है क्या? लेकिन लोगों को इस ब्रेक की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी. जैसे ही ब्रेक मिली ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया. कोई पत्थर ही नहीं उठा था. वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना कि ये कार एक्सेसरीज वालों ने अपना ना घर बना दिया था शीशे रिप्लेस कर करके. बट नाउ इट्स बेटर. यू डोंट गो आउट विद अ कार एंड यू डोंट कम बैक विद अ ब्रोकन विंडो पेन. नो यू डोंट कम विद इट बिकॉज अब पत्थर कोई नहीं मारता. पत्थरों का बिजनेस बहुत अच्छी बात है. वी आर हैप्पी. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों अब मैं गार्डन से मार्केट की तरफ आ चुकी हूँ. मैं इस वक्त श्रीनगर के एक मार्केट में हूँ. तो मैंने सोचा कि यहाँ कुछ दुकान वाले हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि 370 हटने के बाद इनका, इनको क्या लगता है, मतलब कैसे फील हो रहा है अब चार साल होने को आए 370 हटने के बाद. तो ये क्या सोचते हैं इसके बारे में, आइए हम यहाँ पर किसी से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अयान है. अयान साहब, आप यहाँ पे दुकान चलाते हैं, आप बिजनेसमैन हो. मुझे बताइए चार साल होने को आए हैं 370 हटने के बाद, एज अ कश्मीरी आप क्या फील करते हो? आप खुश हो इसके हटने से? आपको कोई मायूसी है या आपको लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए? और जब से 370 हट गए तब से बहुत इधर बेरोजगारी हो गई, ड्रग्स हो गए आम, और दूसरी बात तब से कश्मीरी बहुत गरीब हो रहे हैं दिन ब दिन. और कश्मीर में बहुत चेंजिंग से, पहले जो अच्छे थे लोग अब टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं लोग. और दूसरी बात बहुत जुल्म है कश्मीर में. जैसे जैसे टैक्स चढ़ाते हैं मकानों पे. दूसरी बात क्या बोलते हैं इसको, दारू के अड्डे आते रहते और बहुत खराबी हो रही है लड़कियों में, लड़के में जिना बहुत आम हो रहा है इधर कश्मीर में. बट आपको लगता है 370 का इससे कोई लेना देना, या आपको ऐसे बताया जा रहा है कुछ ऐसे लीडर है? देखिए मैं सिर्फ 370 की बात कर रही हूँ. ये जो आपने इश्यूज बोले वो तो है कश्मीर में, उसको कंट्रोल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत है, जुडिशरी को मजबूत करने की जरूरत है. मगर मैं 370 की बात कर रही हूँ. क्या आपको लगता है उससे आपको कोई फायदा था और अभी आपको कोई नुकसान हो रहा है एज अ सिटीजन? आप पॉलिटिशियन तो हो नहीं. जी बताइए. उससे नुकसान हो रहा है हमारा जी, जो ये 370 की बात कर रहे हो आप, हमको नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है इससे. जैसे
इधर अब बाहर के लोग आए हैं, इधर कब्जा जमा रहा है, वो मोदी सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मतलब आपको मोदी सरकार से उम्मीद है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज नहीं होनी चाहिए जो यहाँ के लोग? अमित शाह से उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान अच्छा ही होना चाहिए कश्मीर के, क्योंकि ये चीज तो महाराष्ट्र में भी देखी जाती है, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि बाहर से लोग आके उनके जॉब्स ले लें, तो यही चीज कश्मीरी भी चाहते हैं कि बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है। इस मोदी सरकार को एक काम करना था, इसको यहाँ फैक्ट्री खोलना था, बेरोजगारी खत्म करना था। ये सिर्फ स्मार्ट सिटी के पीछे भाग रहा है, उससे हमें क्या फायदा? उससे हमारे को कुछ फायदा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में पड़ रहा है, बहुत कुछ कर रहा है इधर इधर, इनके बारे में इनको सोचना था। तो आपको लग रहा है कि 370 से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो मुद्दे हैं पहले ये सॉल्व करें। हाँ, सॉल्व करें वो, है ना? तो और हमको कोई शिकवा दिला नहीं, और कोई इशू नहीं है आपको, वरना मतलब 370 के हटने से और कोई इशू नहीं, बस ये जो मुद्दे हैं इनको सॉल्व। तो देखा दोस्तों आपने, इन लोगों के जो मुद्दे हैं ये जायज मुद्दे हैं, मैं भी यकीन रखती हूँ कि ये मुद्दे जो हैं इनको सॉल्व होने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इनका 370 पीछे के इनका 370 से कोई लेना देना नहीं है। ये जो इन्होंने जिन मुद्दों की बात की, ये बात सच है, यहाँ पे जॉब्स की कमी है, बेरोजगारी है, ये बात भी सच है, यहाँ पे ड्रग्स में बेरोजगारी की वजह से सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, सुसाइड्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ड्रग अब्यूजर्स के ही नहीं, सुसाइड्स के रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ये बात भी सच है। ये बात भी सच है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बाहर से लाए जा रहे हैं, जिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स उनके लिए बाहर से लाए जा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों की बेरोजगारी को जो है अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये एक चीज है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि बाकी इन इकोनॉमिक और सोशल चीजों के अलावा, बिकॉज आप समझ सकते हैं दोस्तों ये एक मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, इसको चाहे आप यूटी बना लो या कुछ भी बना लो, है तो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन, और यहाँ पर लोग जो है ये अप्रिशिएट नहीं करते कि यहाँ पे दारू के ठेके आ जाए, मतलब अल्कोहल की शॉप्स आ जाए, ये इनके कल्चर के मुखालफत में है, और जाहिर सी बात है इनको ये चीज पसंद नहीं आएगी। अब करना ये है कि इन लोगों को ये अवेयर करने की जरूरत है कि इन सब चीजों का, इन सोशल मुद्दों का और इकोनॉमिक मुद्दों का जो है 370 से कोई लेना देना नहीं है, ये अवेयरनेस गवर्नमेंट को करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस तरफ जाकर कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नफीस अहमद। तो आप ये बताइए, 370 के हटने के बाद 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो जैसा पहले था वैसे ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल। मगर इसके कुछ फायदे दिख रहे हैं आपको? हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत। हाँ। 2 साल से तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमें काम बढ़ रहा है, टूरिस्ट की वजह से काम बढ़ रहा है। चलिए थैंक यू सो मच। तो आइए मैं अब कुछ और लोगों को ढूंढती जा रही हूँ मार्केट में। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मुसैब है। जी आप यहाँ पर बिजनेस करते हो कश्मीर में? मुझे बताइए, आर्टिकल 370 को हटे हुए 4 साल होने को आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए आर्टिकल की जहाँ तक बात करें, आर्टिकल के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे आई, जैसे कि आप रिसेंटली मैं बात करूँगा जो हमारे शिया भाई है, मुहर्रम आपका आपको पता ही है, 30 साल ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स से उनको अलो नहीं किया जा रहा था, जो यहाँ की गवर्नमेंट थी, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो गवर्नर साहब है उनने उनको अलो किया है, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक चेंज है। और जैसे कि आपको पता है कि और भी बहुत चेंजेस आई, जैसे कि आप देखेंगे G20 जो इस साल G20 हुआ वो कश्मीर में हुआ यहाँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बोल रहे हैं G20 से हमें क्या फायदा, स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा? देखिए स्मार्ट सिटी से हमें क्या फायदा, अगर G20 में कोई डेलीगेशन आई थी वो तो एक दिन या 2 दिन के लिए आई थी। आप अभी मेरे साथ पोलोव्यू मार्केट चलिए, राजबाग चलिए, वहाँ पे कौन बैठे है? वो तो कश्मीरी बैठे हैं। अभी अगर वहाँ पे कोई वो साइकिल चला रहे हैं वो कश्मीरी है, वो थोड़ी कोई G20 के डेलीगेशन वो साइकिल चला रहे हैं। हर चेंजेस बहुत सारी आई है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हालात होती थी, आप अभी आप अपने पीछे स्टूडेंट देखिए, स्कूल के हालात है यहाँ पे, पूरे साल जो है वो स्कूल बंद रहते थे। आप विजुअल्स में दिखाइए, पूरे साल यहाँ पे स्कूल बंद रहते थे, हड़ताल होते थे, कर्फ्यू होते थे, यहाँ पे कैलेंडर निकाला जाता था कि हफ्ते में किस दिन क्या होगा, ये बच्चे है इनका फ्यूचर है, जब ये पढ़ेंगे नहीं तो कल को क्या है अपनी लाइफ में करेंगे। आज पूरे साल जो है स्कूल बंद रहते, इससे बड़ी और क्या चाहिए? तो आप खुश हो आर्टिकल 370 के? बहुत खुश। हाँ मैं ये बोलूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार को थोड़ा गौर करना चाहिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ ऐसे डेलीवेजर्स हैं या कोई ऐसे मसले मसाइल हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप ये मत देखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, आप ये देखिए कि क्या क्या काम हो रहा है। हर एक चीज को थोड़ा टाइम लगता है, 70 साल यहाँ पे बर्बादी हुई,
अभी तो 4 ही साल हुए, अगर 4 साल में इतना हुआ तो 5 साल 4 साल 3 साल और दे दो और देखो कि क्या हो सकता है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच मुसैब साहब। तो आपने देखा दोस्तों, हमने अलग अलग लोगों की राय ली, कुछ कह रहे हैं कि 370 से खुश नहीं है, लेकिन बहुत सारे कह रहे हैं कि 370 से खुश हैं। तो एक मिक्स रिएक्शन है एक तरीके का, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शंस जो हैं वो ज्यादा हैं। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय कश्मीर जय हिंद। पब्लिक रिएक्शन में आप लोगों ने देखा कि दोनों साइड से, दोनों पक्ष के जो लोग थे, जो इस हक में भी हैं और इसके इस हक में नहीं भी हैं, दोनों ने अपना अपना रिस्पांस दिया है। जो स्टार्टिंग में थे वो तो सारे वही लोग थे जो फेस ऑफ कश्मीर है, जो सामने सोशल मीडिया पे आके बातचीत करते हैं, वजाहत थे और ये याना मीर तो है, ये अनिका नज़ीर थी। और इस तरह ये जो लड़का मुसैब था, इसका बड़ा यंग बहुत है और मॉडेस्ट और बड़ा सही और बैलेंस्ड रिव्यू था। उसने सारी चीज़ें बताई जो फ़ायदे भी हैं और जो नुकसान तो नहीं, लेकिन उसने ये कहा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। उसका डायरेक्ट लिंक आर्टिकल 370 से नहीं है। अगर उसका आर्टिकल 370 से डायरेक्ट लिंक है तो इसका मतलब ये है कि जब आर्टिकल 370 हटा, एब्रोगेशन जब उसका हुआ, तो इसका मतलब उससे पहले कोई बेरोजगारी नहीं थी, उससे पहले कोई ये नशे नुशे का सीन नहीं था, ड्रग्स वगैरह आम नहीं थी, ये मसले तो पहले भी थे। लेकिन उसका डायरेक्ट आर्टिकल 370 के ऊपर सारा बोझ डाल देना, ये फिर ज्यादा वाली बात है। उसके हटने से क्या हुआ, वो डिफरेंसेस जो सामने है, जो उन्होंने बात की, G20 मीटिंग हुई है और इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, ये सारा किस लिए हो रहा है? आर्टिकल 370 हटा तो हो रहा है ना। अगर आर्टिकल 370 ना हटता तो ये चीज़ें सेंट्रल ना कर पाती। सेंट्रल का मिशन ही ये था कि हमने आर्टिकल 370 हटा के यहाँ पर डेवलपमेंट करनी है। तो सवाल अब दूसरा ये है कि क्या वाकई में डेवलपमेंट हो रही है? तो रिजल्ट आपके सामने, श्रीनगर सिटी आपके सामने, उसकी डेवलपमेंट आपके सामने, ऐसा ऐसा बाकी जगहों पे भी ये चीज़ें जाएंगी, बाकी जगह भी जो कश्मीर में वो डेवलप होंगी। श्रीनगर तो कश्मीर का कैपिटल है ना, जम्मू एंड कश्मीर का, इंडियन साइड जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पे फिर डेवलपमेंट तो सबसे पहले बन। लेकिन ये कि कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुई है, फॉर एग्जांपल के जैसे पीछे हालात ख़राब थे कश्मीर के, अब कह रहे हैं उस तरह नहीं है, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और प्रॉपर कोई छुट्टी वगैरह भी नहीं है, और इसका मतलब ये है कि हादसात कम हो गए हैं। अगर इस तरह स्कूल खुल रहे हैं जैसे पहले होता था, बारिशें और ये और वो, मतलब गोलियों की बारिशें, तो उस पत्थरों की और गोलियों, हाँ, तो इन चीज़ों से हट के अब उनको वहाँ पे सुकून मिल रहा है, अमन मिल रहा है और वहाँ पे वो रहायश पजीर हैं और उनको मतलब सोते हुए प्रॉब्लम नहीं है अब उस तरह कि हमें यहाँ से गोली आ रही है, यहाँ से आ रही है, वो पहले मामला थे, अब वो काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। और जहाँ तक बात है कि आर्टिकल 370 की, उसका क्या फ़ायदा क्या है आपके ख्याल से? आर्टिकल 370 हटने से जो है पूरा उसका मतलब ये है कि ये इंडिया का पार्ट है, ये आर्टिकल टेम्परेरी आर्टिकल था, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये दोनों चीज़ें जो है हटाई हैं, और इन दोनों में जो है ऐसा है कि पहले सारी चीज़ें कश्मीर के अपने पास ही थी। जब आर्टिकल 370 हट गया तो उसको अलग से एक यूटी बना दिया और उसमें जो है सेंट्रल इंटरफेयर कर सकती है। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेलेक्ट होकर आती है, वफाकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, वो दोनों मिलके काम करेंगी। अच्छा। आप जो खाली स्टेट होते हैं उस स्टेट पर अलग से काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड दे देती है, सारी उनकी अपनी डिसीजन होते हैं, सब कुछ उनका अपना होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जितनी भी आगे डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो स्टेट के पास अपनी होती है। हाँ, कुछ चीज़ों में स्टेट के पास भी उस तरह नहीं होती, लेकिन कंपेयर टू यूटी और स्टेट जो है उनमें डिफरेंस मेजर यही है कि वहाँ पे सेंट्रल का इंटरफेरेंस ना होने के बराबर होता है स्टेट में, और जो यूटी है उसमें बराबर मिलकर इनको चलना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग दोनों के बराबर बराबर से मुराद ये है कि रेशियो में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये कि सेंट्रल भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है डिसीजंस में जो है, तो मेजर डिफरेंस ये है कि इससे सेंट्रल को जो है वो सबसे बड़ा जो है वो मिल गया। लेकिन आर्टिकल 370 हटने से अगर उसको स्पेसिफिकली देखें तो उससे बहुत फ़ायदे हैं। उसमें लोग यहाँ से वहाँ जाके काम कर सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ के काम कर सकते हैं, इंडिया का वो सेंट्र पार्ट है, पूरा का पूरा ऑफिशियल पार्ट है, और इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने बता रहे थे ना, सॉरी मैंने आप बात काटी है, वो बता रहे थे ना कि वो जो ड्रग्स वगैरह और ये वो चीज़ें आम है, इसका मतलब ये कि ये अब से नहीं, इससे पहले भी थी। हाँ, ये बात पहले भी है, और इसका जो फैक्ट्रियाँ वाली बात है वो अल्कोहल वाली, तो मेरे ख्याल से अगर मतलब ये है कि हर मजहब का एक अपना दस्तूर है, तरीक़ाकार है, जो भी है, लेकिन उसके अलावा अगर बात करें कि जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम है वहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए वो अल्कोहल वाला जो सिस्टम है ना, जो फैक्ट्री की बात कर रहे थे, वो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सेपरेट होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को। हाँ, अगर कोई नहीं पीता तो उसकी अपनी मर्जी है वो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं पीना चाहता तो मुझे पिला तो नहीं सकता है उस तरह, लेकिन तो हाँ, लेकिन माहौल का असर तो पड़ता है ना,
एक माहौल की बात कर रहा हूँ कि जैसे आम रूटीन में कोई भी चीज़ है जिसकी हम बेशक नहीं चाहते उसको, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ऐसा 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 वो चीज़ इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो एक कचरा अपना छोड़ देगी। ठीक है, जैसे वो एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि अगर हम किसी अदरों वाले के पास बैठे हैं जो खुशबू लगाते हैं तो हमारे पास से भी खुशबू आएगी बेशक हमने ना लगाई होगी, और अगर हम किसी लोहार के पास बैठे होंगे तो वो पता है जब वो करते हैं उसको ग्राइंड कह रहा हूँ, उसको चलाते हैं मशीन को, हाँ। तो उसके अंदर चिंगारियां निकलती हैं, तो कपड़ों के अंदर ना उसके सुराख हो जाते हैं, तो बंदा काम बेशक वहां पर जाके ना करे लेकिन वो सुराख जरूर रहता है। इसका मतलब ये कि माहौल का असर इंसान पे, ये एक पंजाबी की मिसाल थी वो मैंने दी है, लेकिन ये कि माहौल का असर जो है ना वो लाजमी होता है हर इंसान पे, तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा दूर इस लिहाज से अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर देखें ना तो फिर दूर कर देना चाहिए उस चीज़। लेकिन उसमें एक और फैक्टर भी है ना कि अगर खाली वहाँ मुस्लिम रह रहे हैं तो फिर ठीक है, अब वो जिस तरह का एरिया है वहाँ पे अंग्रेज भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, अब टूरिस्ट के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो वहाँ पे भी एक चीज़ जेन्युइन है, जिसमें तूने बात की है, तो अब इस साइड पे जब हम देखें इस एंगल से तो वो एंगल ये है कि यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, जर्मन आ रहे हैं, जर्मन तो बड़े इस चीज़ के शौकीन है और भी है, लेकिन जर्मन तो फिर इसमें आपको पता ही है किस तरह सर फहरिस्त आते हैं, जर्मन हैं, बाकी फ्रेंच लोग हैं, अमेरिकन हैं, या और लोग जो सारी तरह की चीज़ें करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो जब वो वहाँ पे आएंगे तो अगर उनको वहाँ पे अल्कोहल मिलेगा क्योंकि वो लोग पीते हैं, तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो उसमें तो अवेलेबिलिटी का होना वहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि वो लोग वहाँ पे आ रहे हैं और वो पी रहे हैं, जब इस एंगल से देखा जाएगा तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी जर्मन है। हाँ, अगर इसलिए टूरिस्ट आ रहा है, लेकिन वो फैक्टिवली जो बात है ना, मतलब वहाँ पे तैयार होना या बनना वो एक अलग बात है। हाँ, अगर वहाँ पे तैयार हो रहा है और वहाँ पे अवेलेबल है, बात तो वही है कि अगर वहाँ चल फॉर एग्जांपल मुंबई में भी, हाँ, ये भी है तो वो अवेलेबल अगर वहाँ पे है पीने वाले तो फिर भी पी लेना, फैक्ट्री में कौन सा हर बंदा काम कर रहा है, वहाँ पे तो गिने चुने लोग होंगे काम कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी तो सबको हो जाएगी ना मार्केट में जाके। बिल्कुल, तो ये इस एंगल से जब देखते हैं तो ये ज़्यादा जस्टिफाइड लगता है कि मार्केट में अवेलेबल है लेकिन जिसने पीना है वो पी ले, जिसने नहीं पीना वो ना पिए, क्योंकि टूरिस्ट की भी तो रिक्वायरमेंट देखनी है ना वहाँ पे। सही, आपने इतना खूबसूरत, आपकी सरजमीन है इतना खूबसूरत, कश्मीर है बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ इतने लोग आ रहे हैं लेकिन वो क्या फिर अपना सामान अल्कोहल ये वो जो सब करते हैं, आप लोग इतनी खूबसूरत लैंडस्केप पे आएँ और जो इस चीज़ के शदाई हैं जो शराब पीते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो उनकी तो ये कोशिश होती है कि यार हम लोग किसी तरह इतने खूबसूरत एरिया में जाके दो चार पैग लगाएं, जैसे चाय के शौकीन होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं ना कि यार खूबसूरत जगह हो, बंदा एक कप चाय हो और ऐसा हो, तो जो शराबी कबाबी है, कबाबी मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, जो इस तरह के अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो उनकी कोशिश ये होती है कि हमें इस तरह की जगहों पे मिले, तो वो फिर दूसरी जगहों से लेके आएंगे, तो अब इस पर्सपेक्टिव से अब देखेंगे उनको लाना पड़ रहा है सामान ये वो सारा, और अब दूसरे पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं कि यार उनको वहाँ पे मिल जाएगी तो टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, तो वो एंगल भी एक जेन्युइन एंगल है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्या होना चाहिए इस हवाले से आप लोग हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा अल्कोहल को स्पेसिफिकली लेके, लेकिन बाकी आपका क्या ओपिनियन है लास्ट में अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आर्टिकल 370 के हटने से फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या नुकसान ज़्यादा हुआ है। हमारे ओपिनियन में मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर भी इस बात से एग्री करेगा कि आर्टिकल 370 हटने से ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, नुकसान तो ना होने के बराबर ही है। हाँ, उनको ज़रूर नुकसान हुआ जो ये चाहते थे कि आर्टिकल 370 ना हटे। हाँ, ये है, तो एक हुआ है, वो जेन्युइन बात है। एक बात और मेरे माइंड में आ रही थी कि एक तो ये उन्होंने एक और बात की थी कि हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ गई है पहले की नस्बत, कि यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं और बाहर से अवाम आके, मतलब इंडिया के अंदर से आके, इंडिया से मुराद ये कि जो बाकी शहर हैं, हाँ, उधर से अवाम आके यहाँ पे काम कर रही है और हाँ, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ के भी लोग जो हैं ये इस चीज़ के मतलब इनकी ज़रूरत है या इनकी ज़रूरत के हिसाब से, तो उन बंदों को भी साथ अपने लगाया जाए और उनको भी एक रोज़गार मैसर किया जाए, क्योंकि यहाँ से अगर किसी और शहर में जाना तो वहाँ पे जा के काम करना वो थोड़ा डिफरेंट है, अगर वही चीज़ उनके अपने शहर के अंदर होती तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी टाइम तो जारी बात है लगेगा इसमें, अच्छा कोई शक वाली बात भी नहीं है, जैसे हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत सारी समरा दी है कि जैसे हमने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है और बाकी वो क्या नाम था उनका जो दास हमने देखी थी, एक वो जो एक वॉच थी बड़ी सी और श्रीनगर, हाँ श्रीनगर वो देखा, तो वो लग ही नहीं सर आके ये कश्मीर के अंदर होगा ऐसा। तो इस तरह बहुत सारी और भी मजीद भी है इसके अलावा, लेकिन यह है कि साथ साथ उनकी गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए, मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए, ड्रग्स वगैरह ये वो, जिससे क्योंकि ड्रग्स मैं ये समझता हूँ कि वो इंसानी बीमारी है एक तरह की, वो बच्चों को अगर लगेगी, अगर बच्चे इस तरह के काम करेंगे तो आगे जाके जो है ना वो बनेंगे क्या, पढ़ेंगे क्या, फ्यूचर ऑफ कश्मीर, फ्यूचर ऑफ इंडिया बिल्कुल ज़ाहिर बर्बाद हो रहा है, ख़राब हो रहा है।
अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन इंडिया में, अगर वो इस तरह काम शुरू करते हैं कश्मीर में भी, दिल्ली में, मुंबई में भी, जो कि हर जगह पे हो भी रहा है, तो फ्यूचर क्या है आपको नजर आ जाएगा कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की है जो कि इंडिया के एक हित में है, इंडिया के एक पॉजिटिव साइड है ये, तो उसको नेगेटिव कन्वर्ट बड़ी स्पीड से वो हो रहा है, तो इस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा। लेकिन जो भी एक बात की है मोहम्मद अहमद इस हवाले से कि बाहर के लोगों को जो काम मिल रहा है, ठेका मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, वो मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत होगी मुझे ऐसा लगता है, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि जो कश्मीरी लोग हैं वो इतने स्किलफुल ना हो के वो उस लेवल का काम कर पाए। एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ये देखना पड़ेगा हमें कि क्या वाकई में कश्मीर के लोग उस तरह का काम कर पाते हैं जो बाहर से लोग आके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल काम कर रहे हैं, कि क्या इतनी उनमें कैपेसिटी या इतनी उनकी एक्सपर्टीज है कि वो ना आए तो ये कर लेंगे। तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये बहुत गलत है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर तो अभी फॉर द टाइम बीइंग ठीक है, अभी के लिए, बाद में जब वो एक्सपर्टीज हासिल करें, अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाएं, उनके लिए फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट अवे उनको प्रोवाइड करें और ये लोग अवेल करें, तो ज़रूर उनको फिर देना चाहिए। लेकिन अगर उनको आता है तो फिर तो ये वाकई में नाइंसाफ़ी है। तो इस हवाले से आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इस वाले वीडियो में फिर इतना ही, जाना मेरे को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।